everyone, this is class 9 history chapter 2, socialism in Europe and the Russian revolution. तो socialism in Europe हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने Russian revolution का एक overview भी देख लिया था कि होता क्या था Russian revolution में. अब हम लोग Russian revolution का पहला part, which is the Russian empire in 1914, इसको समझेंगे. So इस part में बस basically बताया गया है कि ये जो Russia है वो कौन कौन से स्टेट्स या कौन कौन से जो भी कंट्रीज हैं उनको अपने एम्पायर में लेता है, इसका राजा कौन था, वहाँ की मेजॉरिटी क्या थी, वो सब बताता है. सो इन 1914 सार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. सो 1914 में जो सार निकोलस टू है, ही इज़ दी सार निकोलस टू, उसने रशिया को रूल किया था एंड इट्स एम्पायर. एंड इट्स एम्पायर का मतलब क्या हुआ, रशिया को तो रूल किया वो समझा, तो उसने रशिया को रूल किया एम्पायर. सो The Russian Empire included current day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. So ये जो सारी countries है वो Russia की empire थी. तो Tsar Nicholas Russia को तो rule करता ही था, साथ साथ में उनकी ये सारी की सारी जो empire की empire में जो उनकी जो countries आती थी, फिनलैंड, लथविया, लिथुआना, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इन सबको वो रूल करता था. तो ये सारी कंट्रीज उनकी एम्पायर थी. ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछते हैं कि व्हाट विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन द रशियन एम्पायर. इट्स स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान. सो व्हाट हैपेंड वाज कि इसका जो रशियन एम्पायर था, सार निकोलस का जो रशियन एम्पायर था वो कितना था, मतलब वो कंप्रेस करता था पैसिफिक ओशन को, मतलब पैसिफिक ओशन जितना स्ट्रेच था, स्ट्रेच यानी कि उतना बड़ा था, और कंप्रेस क्या क्या करता था, तो आज के जो सेंट्रल स्टेट्स से हैं उनको, सेंट्रल एशिया एशियन स्टेट्स से हैं उनको, फिर ये जॉर्जिया को करता था, अर्मेनिया को और अजरबैजान. तो ये सारे जो भी सेंट्रल एशियन स्टेट, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब भी रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे. द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. सो अब रशिया की जो मेजोरिटी रिलीजन थी, कहते हैं ना इंडिया की भी मेजोरिटी रिलीजन हिंदूज है, तो वैसे रशिया की जो मेजोरिटी रिलीजन है वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे हिंदी है तो वहाँ पे गुजराती भी है, मुस्लिम्स भी है, पंजाबी है, ये सब भी है ना, तो वहाँ पे उनकी जो मेजोरिटी रिलीजन थी वो तो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. और यहाँ पे और क्या क्या थे, यहाँ पे कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. तो ये सारे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये चारों जो रिलीजन थे वो तो थे, लेकिन मेजॉरिटी वाले थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. तो ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है वो मेजॉरिटी रिलीजन था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रशियन एम्पायर इन 1914. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. अगर आपको इस चैप्टर के अगर आपको MCQ सॉल्व करने हो तो आप श्योरली विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, विच इज़ www.askandstudy.com. वहाँ पे इजीली इन सब के MCQs एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोवाइड किए गए हैं. सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ask and Study. थैंक यू.